जल्दी जल्दी आवा, तबियत खत्म हुई जल्दी। श्रद्धा और रेणु भी आ जाइए। तो देख रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर सिखाया जाता है तो वो काम खुशबू करती है। कहाँ है खुशबू? आज बच्ची कपड़ा का बैठा रहू है, थक गल हो गए। खुशबू बहुत जल्दी थक जाती है, इसलिए इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ये ब्यूटी पार्लर सिखाती है लड़कियों को, जिनको सीखना होगा वो आ सकते हैं, इसमें सीख सकते हैं। श्रद्धा दीदी के लिए भी ताली बजाइए। बाकी सब लोग उजाला, प्रीति, आंचल, साधना, आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग, जल्दी से आओ। रेशम, लक्ष्मीना, जितने लोगों का नाम बोल रहे हैं नहीं बोल पा रहे सब लोग, शीला आप भी आ जाइए। सुमन कराने में ये पूरा जो बालिका महोत्सव कार्यक्रम हुआ, इस पूरे कार्यक्रम को कराने में लक्ष्मी कहाँ है, वो भी आ जाए। है प्रिया फंस गए कहाँ है, वो भी आ जाए। तो इन सब लोगों ने मेहनत किया है, एक बार हल्ला करके इन लोगों के लिए ताली बजा दीजिए, हल्ला करके। तो बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया आप सब लोगों से। अच्छा, आप सब लोगों से एक बात का केवल निवेदन है कि अगले बार जब हम लोग बालिका महोत्सव करें, 4 घंटे से कार्यक्रम हो रहा है, इतना ही कार्यक्रम संभव है, इससे ज्यादा बहुत कार्यक्रम हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम सबको मालूम है किसी भी हालत में आपको घर से निकलने में ही टाइम हो जाता है। खाना वाना बनाएंगे आप, उसके बाद 9 बजे 10 बजे निकल पाएंगे, फिर शाम को अभी इंतजार हो रहा होगा, आप यहाँ से जाएंगे और जाने के बाद जो है कि फिर तैयारी था उनका, उन्होंने नाम दिया हुआ है, उन सब लोगों से क्षमा मांगते हुए अब कार्यक्रम यही समाप्त किया जाएगा। आप सब लोगों से एक निवेदन है कि जो लोग अब डांस करना चाहते हैं वो सब लोग मंच पे आ जाएं, एक गाना बजाया जाएगा, उस पे सब लोग इच्छा पूरा कर लीजिए, पर इतने ही लोग जो लोग जिससे मंच न टूटे। बाबा हमको पढ़ने दो, बाबा हमको पढ़ने दो, भीख नहीं अधिकार चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए, किशोरी व मंच जिंदाबाद, मनरेगा मजदूरी यूनियन जिंदाबाद, बाबा मुझको पढ़ने दो। अब आप लोग एक काम करेंगे, सब अगर इकट्ठे जाएंगे तो ना बड़ा चले भी कदे वे बना खाती है और खाती कर होना। मनरेगा मजदूर यूनियन, किशोरी युवा मंच, आशा विश्वास ट्रस्ट के द्वारा आज जो है कि बालिका महोत्सव का आयोजन ब्लॉक मुख्यालय राजतला में किया गया, जिसमें आराजी लाइन ब्लॉक के करीब 60 गांव की 1500 किशोरियों ने भाग लिया। किशोरियों द्वारा इसमें जो है कि गीत, नुक्कड़ नाटक, डांस, इस तरीके का सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। उससे पहले हम लोगों ने किशोरियों ने सिंचाई डाक बंगला राजा तालाब से एक रैली निकाला, जिसमें उन्होंने संवैधानिक मूल्यों के प्रति, शिक्षा के प्रति, लैंगिक भेदभाव के प्रति, और जो है कि जिस तरीके का आजकल समाज में जो है कि छेड़खानी से लेके किशोरियों के प्रति जो है असुरक्षा की भावना है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाला और लोगों को जागरूक किया कि बाबा मुझको पढ़ने दो, पढ़कर आगे बढ़ने दो, इस तरीके के नारे लगाते हुए वो लोग आगे बढ़े। ये कार्यक्रम बेहद ही सफल रहा। हम सभी लोगों को, अपने सभी साथियों को, जिन लोगों ने जीतोड़ मेहनत इस कार्यक्रम में किया, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएँ देते हैं कि बहुत ही अच्छा उन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनियन जिंदाबाद, 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 मनरेगा मजदूर यूनियन जिंदाबाद, 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 सारी युवा मंच जिंदाबाद, 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 सारी युवा मंच जिंदाबाद, 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 नजरें नहीं झुकाना है, आगे बढ़ते जाना है, नजरें नहीं झुकाना है, आगे बढ़ते जाना है, एक नहीं अधिकार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए, बाबा मुझको पढ़ने दो,
हमारा काम तो है साथ में कहें। कितना मिनट तो बचने बच्चे भैया आगे दिखा किशोरी वह मन जिंदाबाद 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 रेगा मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे हम सब एक हैं हम सब एक हैं लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं रेगा मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 आपका छोटा आपका छोटा पड़ जाएगा सर मोबाइल नहीं भूल गया हम भी जाते हैं भाई मेरा नाम प्रियंका पटेल है मैं मनरेगा जोर से बोलिए थोड़ा मेरा नाम प्रियंका पटेल है मैं मनरेगा मजदूर यूनियन की कार्यकर्ता हूं और किशोरियों के साथ 15 गांव में उनके स्वास्थ्य को लेकर और उनके अंदर छुपे हुनर पे मैं काम करती हूं। यहां पे आज बालिका महोत्सव मनाया गया था जो कि पुलिस थाने से ब्लॉक तक हम लोग रैली निकाले जो कि 1000 की संख्या में किशोरियाँ आई हुई थी और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। नमस्ते हम मनरेगा मजदूर यूनियन संगठन से जुड़ के 15 गांव में किशोरियों के साथ काम करते हैं उनके छुपे हुनर को उनको जोड़ने का जो गांव से लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं उनके माँ बाप नहीं आने देते हैं उनको जाते हैं समझाते हैं कि लड़की हो या लड़का सबका समान अधिकार होता है क्यों लड़कियों को घर से बाहर जाने के लिए लोग रोकते हैं समाज रोकता है घर से इजाज़त मिलता है तो समाज वाले कहते हैं कि देखिए वो कहाँ जा रही है लड़कों को तो कोई नहीं रोकता है तो समानता पे हम लोग भी काम करते हैं। मेरा नाम नेहा जायसवाल है हम लगभग 2 साल से जुड़ के मनरेगा मजदूर यूनियन में किशोरी व मंशी की लड़कियों के साथ हम काम करते हैं तो अगर हम लड़कियों के साथ काम करते हैं तो साल में हम लोग एक दिन बालिका महोत्सव मनाते हैं हम उनके स्वास्थ्य पे काम करते हैं उनको स्वास्थ्य की ट्रेनिंग देते हैं। आजकल क्या हो रहा है लड़कियों के साथ बहुत भेदभाव होता है हम उन पर भी काम करते हैं कि लड़कियों के साथ भेदभाव ना हो बाहर निकले और जागरूक हो। एक जागरूकता रैली भी निकली है आज और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है इसमें लड़कियाँ अलग अलग लड़कियाँ कविता डांस और नाटक में प्रस्तुति की हैं और बहुत जोरदार नारों से आज का कार्यक्रम किया गया है और इसी साथ मैं अपने बाड़ी को विराम करती हूँ। नमस्ते ये कार्यक्रम जो हो रहा है मनरेगा मजदूर यूनियन किशोरी युवा मंच और आशा विश्वास ट्रस्ट के बैनर तले किया जा रहा है। मनरेगा मजदूर यूनियन का शुरू से ही मानना रहा है कि महिला और पुरुष किशोरी युवा में कोई अंतर नहीं है हम लोग हमेशा से ही भेदभाव मिटाने को लेकर काम करते रहे हैं। उसी क्रम में ये हम लोगों ने बालिका महोत्सव का आयोजन किया जिसमें केवल किशोरियों का कार्यक्रम था किशोरियाँ यहाँ पर आई अपना नाची गाई सांस्कृतिक कार्यक्रम कि मेरा ऐसा हमेशा से ही मानना रहा है कि एक ऐसा दिन होना चाहिए बल्कि हम तो ये मानते हैं कि एक दिन नहीं पूरा साल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि किशोरियों को मौका मिले और किशोरियां जो है कि अपने तरीके से एक पूरा जो है कि दिन रहें खुल के आज़ाद आज़ाद पंछी की तरह जो है कि अपना कार्यक्रम करें और आज हम लोगों ने उनको मौका दिया। करीब 60 गाँव की 1500 किशोरियाँ यहाँ शामिल हुई और उन लोगों ने जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके का बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों ने खुद चंदा लगा के ये कार्यक्रम किया तो मनरेगा मजदूर यूनियन किशोरी युवा मंच आशा विश्वास ट्रस्ट से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई एक सफल कार्यक्रम करने के लिए। धन्यवाद।